हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सर्विस प्लानेट। मैं अतनु, मेरे पास आज एक लैपटॉप आया है, एचपी पेविलियन G6 2000 का। इसका मदरबोर्ड मैं बाहर निकाल लिया, तो इसका मदरबोर्ड का पार्ट नंबर है DA08 33 MB6F1 रिवीजन F। तो ये क्वांटा 833 का मदरबोर्ड है। तो कस्टमर का कंप्लेन है ये डेड है, तो मैं इसको खोल के थोड़ी देर इसको एग्जामिन किया। तो मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने अभी तक इसको रिपेयर नहीं किया, जस्ट कुछ देर पहले ये बोर्ड आया है, तो मैं ये DC कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, मेरा बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर ये ग्लो कर चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा एम्पियर रीडिंग अभी ठीक है, लेकिन मैं जब इसको कनेक्ट करूँगा तो कभी कभी ये थोड़ा सा हाई एम्पियर कंज्यूम हो रहा था। तो मैं इसको पावर बटन प्रेस करके देखता हूँ, तो देखिए 26 में जाके रुक जा रहा है। कभी कभी ये 0.2-3 बार प्रेस करने के बाद 100 something ampere ये कंज्यूम कर रहा है, 0.120 या 174 ampere ये कंज्यूम कर रहा है। और गौर करने के बाद और एक है, मैं जब इसको पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ, देखिए इसका जो एडाप्टर इंडिकेटर है ये बंद हो जा रहा है। तो चलिए कुछ बेसिक वोल्टेज लेवल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा 3 वोल्ट 5 वोल्ट का कॉइल है, मुझे विन सेक्शन देखना नहीं है क्योंकि मेरा पावर बटन प्रेस करने से यहाँ पे एम्पियर में वेरिएशन हो रहा है, मतलब विन सेक्शन ठीक है। तो ये 3 वोल्ट 5 वोल्ट का कैपेसिटर मैं एक बार देख लेता हूँ। मैं ये अभी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, मतलब ये पावर ऑन होने के बाद ही ये वोल्टेज मिलेगा। तो सिंपल थिंग है, जो मुझे 3 वोल्ट 5 वोल्ट आफ्टर पावर ऑन मिलेगा, तो मुझे पावर ऑन करने के लिए LDO वोल्टेज चाहिए। तो एक बार 3 वोल्ट 5 वोल्ट का LDO वोल्टेज देख लेता हूँ। यहाँ पे मेरा 3.3 वोल्ट LDO है। देखिए प्रेस करने से ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब कॉर्ड कीजिए मेरा मल्टीमीटर में, प्रेस करने से ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है क्योंकि LDO वोल्टेज तो फिक्स होना चाहिए। और थोड़ा सा मुझे यहाँ पे क्लू मिल गया, तो मैं दूसरे तरफ नहीं जाऊँगा, LDO वोल्टेज के लेके ही चलते हैं। तो जाहिर सा बात है LDO वोल्टेज मेरा जो इसी बायोस है इसका भी VCC वोल्टेज बोलना बन के आएगा। तो पिन नंबर 8 पे मैं एक बार चेक करता हूँ, 3.3 वोल्ट। ओके, और स्विच प्रेस करने से सेम वेरिएशन यहाँ पे भी हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन लेके मैं DC को थोड़ा बंद कर दे रहा हूँ। मैं एक बार पावर बटन का पिन को देख लेता हूँ। ये एक सिंपल सा ट्रिक है पावर बटन का कौन सा पिन कौन सा है जानने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो मदरबोर्ड आता है 90% मदरबोर्ड में हाई लो हाई का सीक्वेंस रहता है, मतलब पहले वोल्टेज रहेगा, उसके बाद पावर बटन प्रेस करने से वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होके लो हो जाएगा, फिर वो हाई हो जाएगा पावर बटन छोड़ने से।
तो मुझे अभी देखिए, यहाँ पे मैं पिन नंबर 1 पे प्रेस किया। पिन नंबर 1 पे जब मैं पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये ग्राउंड के साथ कनेक्टिविटी दिखा रहा है, क्योंकि मैं एक बार सेमिस्टिक में इसको देख लूँगा। पहले दूसरे तरफ चलते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है एचपी का बोर्ड में ये मिडिल के तरफ ही रहता है। हाँ, मुझे पिन नंबर 4 पे भी ये पावर बटन प्रेस करने से मुझे इसका कनेक्टिविटी मिल गया। तो चलिए सेमस्टिक के पास। मैं एक बार इसको मेरा टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेता हूँ और 33। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये ग्लोव का सिंबल आएगा, तो ये मेरा आईटी सर्विस वर्ल्ड का लोगो है। तो यहाँ पे क्लिक करने से मुझे ये मिल जाएगा। मैं इसको डायरेक्टली ओपन भी कर सकता हूँ। तो ये मेरा इंटेल R33 का सेमस्टिक है। तो पावर बटन का कनेक्टर में मुझे इसका लोकेशन देके सर्च करना पड़ेगा, CN7 कनेक्टर नंबर 7। तो देखिए ये मेरा पिन नंबर 1 से 6 तक है। पिन नंबर 1 3 वोल्ट PCU, ये लीड स्विच का पावर बना रहा है, जो कि मेरा इसी बस का भी पावर यहाँ से बन रहा है। 2 नंबर है क्विक बटन, 3 नंबर लीड स्विच, 4 नंबर पावर ऑन हैश। तो ये पावर ऑन हैश, तो 1 नंबर और 4 नंबर पिन में मुझे पावर बटन प्रेस करने से ग्राउंड कनेक्टिविटी मिल रहा है। तो मैं 4 नंबर पिन को लेके चलते हैं। तो इसका सेमिस्टिक का नेम देखिए बदल के यहाँ पे आ गया NBS1 हैश। तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ NBS1 हैश। ये ग्राउंड के साथ प्रोटेक्शन कैपेसिटर देके इसका एक सर्किट बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे एक सर्किट नज़र आया, जो कि NBS1 मेरा 10K रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। और आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद वो पिन नंबर 19 पे एक हाईलो हाई सीक्वेंस में ये चला गया। तो एक बार इसी का पिन नंबर 19 का भी हाईलो हाई सीक्वेंस एक बार चेक कर लेता हूँ। पता नहीं प्रॉब्लम कहाँ से निकलेगा। यहाँ पे मेरा, मैं एक बार कैमरा ऑन करता हूँ।
यहाँ पे मार्क किया हुआ है, 10 पिन के बाद बाद एक मार्क किया हुआ है, तो सेकेंड मार्किंग का पहले वाला 19 होगा। मुझे 3.3 वोल्ट मिल गया। यहाँ तक हाई लो हाई का सीक्वेंस ठीक है। तो मुझे इससे पहले ही क्लू मिल चुका है कि मेरा 3 वोल्ट PCU शॉर्ट हो रहा है। अगर मैं उसको एक बार फिर से मिस्टिक में चलते हैं, इससे पहले का जो स्टेप था, हो सकता है मेरा ये रजिस्टर खराब है, या हो सकता है कि मेरा जो LDO IC PWM IC है वो IC खराब है। तो सबसे पहले सस्पेक्टेड एरिया में मुझे ये रजिस्टर को ही चेक करना पड़ेगा। मैं एक बार रिकॉर्डिंग को पॉज करके चेक कर लेता हूँ, क्योंकि रजिस्टर ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। बहुत ढूंढा लेकिन मुझे वो रजिस्टर मिल नहीं रहा है, तो क्या करें। 442 ये मिल नहीं रहा है, तो सीधी सी बात है, देखते हैं इसका बोर्ड व्यू है कि नहीं। R442 चलते हैं। R33 टाइप किया ही हुआ है, बोर्ड व्यू। यहाँ पे तो नहीं है। एक बार विना फिक्स में देखता हूँ, ये शायद मुझे मिल जाएगा। R33 बहुत सारा ऑप्शन दिखा रहा है। और 33 बोर्ड व्यू, HP बोर्ड व्यू। तो अपग्रेड का ऑप्शन है ये नहीं है। ये मुझे मिल गया बोर्ड व्यू, थैंक यू। इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो चलिए बोर्ड व्यू को एक बार ओपन करते हैं। ये मेरा फाइल है, तो मुझे अभी सर्च करना है कौन सा रजिस्टर। R442 तो ये देखिए, यहाँ पे मुझे
पोजीशन में दिखाई दे रहा है। ये रैम स्लॉट है, रैम स्लॉट के बगल में मुझे दिखाई दे रहा है। रैम स्लॉट के ये बटन टॉप, देखिए यहाँ पे टॉप इंडिकेट कर रहा है, मतलब मुझे रैम सेक्शन में, ये सेक्शन में 442 मिलेगा। तो चलिए एक बार फाइंड करते हैं बोर्ड में। कौन सा सेक्शन दिखाया? रैम के नीचे, रैम के नीचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मिला 8442। इसका वैल्यू भी चेक कर लेता है एक बार, 10K है कि नहीं। अगर नहीं है तो और मेहनत करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल शॉर्ट दिखा रहा है, बट डीप रेंज में देखते हैं। ये 4 ohms हो चुका है। एक बार फिर सेमिस्टिक के पास जाते हैं कि 4 ohms होने से ये क्या होगा। तो देखिए मेरा ये रजिस्टर जो है, मैं पहले इसको डाउट किया था, तो ये रजिस्टर मुझे फॉल्टी निकल दिखाई दे रहा है कि ये 4 ohms हो गया, 10K है, क्योंकि ये हाई वैल्यू रजिस्टर है। जब यहाँ पे मुझे, मैं पावर बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पे ग्राउंड आ जाएगा, तो ये मेरा 3 volt को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोटेक्शन रजिस्टर दिया हुआ है। अब जब प्रोटेक्शन ही नहीं है तो ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये अगर 4 ohms हो गया तो ये वोल्टेज को ये ड्रॉप कर रहा है। मुझे ये थ्योरी के साथ प्रूव हो गया। अभी चलते हैं 10K रजिस्टर रिप्लेस करके एक बार देखते हैं, हो जाए तो अच्छा है। देखते हैं मेरा रजिस्टर का जो है इसमें 10K, ये रजिस्टर का जो बुक है इसमें आपको हर तरह का रजिस्टर मिल जाएगा। ये अली एक्सप्रेस में मिल जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन नहीं तो आपको फिर ढूंढना पड़ेगा कोई स्क्रैप बोर्ड में। ये मुझे 10K मिला यहाँ पे। मुझे अभी इसको रिप्लेस करना है।
मैंने यहाँ पे 10 के रजिस्टर लगा दिया। अभी हो सकता है कि मेरा ये प्रोटेक्शन कट जाए, अगर नहीं हुआ तो फिर आगे मुझे PWM की तरह जाना पड़ेगा, क्योंकि 3.3 वोल्ट का जो LDO है वो बार्ट प्लेस OIC के से निकल रहा है। DC कनेक्ट करके देखता हूँ, इंडिकेटर ग्लो हुआ, एम्पियर थोड़ा सा हाई दिखा रहा है, कोई इशू नहीं। तो देखिए मेरा ये जो सेट है ये ऑन हो गया। एक बार रैम कनेक्ट करके देखते हैं कि डिस्प्ले आया कि नहीं। रैम में भी बहुत मॉइस्चर है। एक बार USB का डेटा भी चेक कर लेता हूँ तो कंफर्म हो जाऊंगा कि बोर्ड में डिस्प्ले आ चुका है। एम्पियर जो दिखा रहा है 1 एम्पियर कंज्यूम हो चुका है, और मेरा देखिए यहाँ पे डिस्प्ले भी आ गया। तो अपने लोगों ने देखा कि एक छोटा सा रजिस्टर के लिए मेरा ये पूरा सेट डेड हो चुका था। तो कस्टमर ने मुझे बोला था कि ये डेड है, तो मैं जब इसको खोल के इसका पावर बटन प्रेस करने लगा तो मुझे जो क्लू मिला वो क्लू के तरफ ही मुझे सलूशन मिल गया। मुझे हेल्प किया बोर्ड व्यू ने बहुत जल्दी इसको ढूंढने के लिए, नहीं तो बहुत टाइम लगता है इसको ढूंढने में। तो इस टाइप का और भी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आगे इस टाइप का वीडियो हर रोज़ एक केस स्टडी देने का टारगेट है मेरा, तो हर रोज़ एक केस स्टडी मैं आपको बना के देते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।